सुरक्षा की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने गले से लगाया इस लड़के को। लड़के ने नाटू नाटू गाना सुनाया, मोदी बजाने लगे ताली, देखकर हर कोई रह गया दंग। कौन है ये लड़का जो मोदी के दिल से नहीं निकल रहा? मोदी हो गए इस लड़के के मुरीद। दौरे से लौटने के बाद भी लड़के को नहीं भूल पाए मोदी। ट्वीट कर कर दिया बड़ा ऐलान, लिख दी ऐसी बात कि बड़े बड़े कलाकार रह गए सन, प्रतिभा ऐसी कि हर कोई झुक कर रहा सलाम। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक बहुत से लोगों को अपने गले से लगाया है, लेकिन जब उन्होंने इस लड़के को गले लगाया तो पूरा देश दंग रह गया। बच्चे को गले लगाते वक्त वो सुरक्षा का प्रोटोकॉल ही भूल गए और बिना किसी डर के निसंदेह होकर बच्चे को सीने से चिपका लिया। लड़के को देखते ही मोदी खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत इसे गले लगा लिया। SVG के जवान भी सोच में पड़ गए, आसपास के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन मोदी इस लड़के से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बहुत तेजी से शेयर की जा रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसको मोदी ने गले से लगाकर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर गए हुए थे। यहाँ उन्होंने ऐतिहासिक वारंगल शहर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने दौरे के दौरान मशहूर भद्रकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। मंदिर में काफी समय बिताने के बाद जब नरेंद्र मोदी इस लड़के से मिले तो कोई भी अपनी पलकें नहीं झपका पाया। इस लड़के का नाम कमी सेट्टी वेंकट है। आपको बता दें कि ये एक बीमारी से पीड़ित है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता काफी कम हो जाती है। कई बार तो वो सामने वाले व्यक्ति को सही से पहचानने में असमर्थ होता है। लेकिन इस गंभीर समस्या से लड़ते हुए उन्होंने पीएम मोदी को नाटू नाटू गाना सुनाया और उस गाने पर डांस भी किया। ये दृश्य देखकर प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने इस लड़के के साथ मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया और लिखा कि अब वो लड़का वेंकट प्रतिभा और युवा ऊर्जा का पावर हाउस है। उन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और गायन में लगे रहे। उन्होंने नाटू नाटू गाना गाया और डांस भी किया। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूँ। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस लड़की के परिवार वालों को हर मुमकिन मदद प्रदान करने का यकीन दिलाया है। मतलब ये हुआ कि इनकी ज्यादातर समस्या का समाधान हो गया, अब इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकेंगे। कामी सिट्टी के बारे में बताया जाता है ये काफी अच्छा गाना गाते हैं, यानी अगर भगवान ने इनसे कुछ छीना है तो बदले में ये प्रतिभा भी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चुनावी रंग में रंगे होने के कारण लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं ताकि 24 में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है, जहां पार्टी लगातार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी कड़ी में मोदी ने भी अब तमिलनाडु को लेकर जान झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मिशन साउथ पर निकले हैं और उन्होंने अब साउथ में विपक्ष का किला ढहाने का पूरा मन बना लिया है। अब देखना होगा कि 2024 में तमिलनाडु में क्या बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी।